हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग ने बहुत दिनों के बाद डिनर करने जा रहे हैं, तो आप भी हम लोगों के साथ चलिए। तो आज हम लोग डिनर में फास्ट फूड खा रहे हैं, तो बेबी कॉर्न का जो मंचूरियन रहता है उन लोग खा रहे हैं, और हक्का नूडल्स खा रहे हैं। पता है रात में नहीं खाना चाहिए मतलब फास्ट फूड, लेकिन कभी कभी जो मन करता है वो खा लेना चाहिए, तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं। तो आप लोग आ जाइए, हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज मैं डिनर में फास्ट फूड खाया। रात में फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बट इनको मन किया कि नहीं है आज फास्ट फूड खा लेते हैं, तो मैंने बोले कि हाँ ठीक है फास्ट फूड खा लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि हम लोग डिनर कर कर आएंगे, लेकिन बहुत दिन हो चुका है कि आई थिंक शादी के बाद हम दोनों ने आज फर्स्ट टाइम डिनर कर कर आए हैं। बाहर ऐसे खाते हैं लेकिन डिनर नहीं किए थे, शादी के बाद आज फर्स्ट टाइम डिनर किया है। और डिनर में भी फास्ट फूड खा लिया। रात में तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम लोगों ने खा लिया। और ऐसे ही मन कर रहा था कि थोड़ा सा बाहर जाए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बिकॉज घर में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, तो माइंड भी बहुत जाम सा लग रहा है। मतलब जब कभी भी दिमाग काम नहीं करे, टेंस में रहते हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत तो अपने आप को मतलब चिल करना चाहिए, कहीं पर बाहर जाना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, आज चलते हैं बाहर, ही डिनर करके आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब आप एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करते हैं। घर पर तो हम लोग ऐसे भी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर भी मतलब कुछ रहता है ना, मतलब अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो वो एक अलग सा मूवमेंट रहता है, अलग सा एक टाइम रहता है, जो कि बहुत ही सुकून सा महसूस होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर चले गए। और अभी बस मैं आने के बाद थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ, थोड़ा सा मैं टीवी देख रही हूँ। और अभी आज बहुत सारा कपड़ा लता मैं साफ की हूँ, तो अभी मुझे वो सारे कपड़ा लता को फोल्ड करना है और उसके बाद सो जाना है, बिकॉज़ मेरे सर पर भी थोड़ा सा दर्द है। सुबह से थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था, अभी भी थोड़ा सा दर्द है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है। तो मैं सो जाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि आज सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो अभी बस मैं सो जाऊँगी। और क्या, तो कल सुबह मैं उठकर आप सभी के साथ बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बस मैं सोकर उठी हूँ और डाइट ब्रश की हूँ, और थोड़ा सा जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था मतलब फेस क्लीन का, वो कर कर डायरेक्टली आ चुकी हूँ आप सभी के साथ बात करने के लिए। बज रहा है सुबह की 7:30, और आई नो मैं बहुत देर तक सोते रही, लेकिन एक्चुअली में मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। सो दैट कि मैं सोची क्यों ना मैं अपनी नींद को अच्छी तरह से कंप्लीट कर दूँ,
तो मैंने मतलब अच्छी तरह से सो ली, मतलब जब तक नींद पूरा ना हो जाए, मुझे नहीं फील हुआ कि नहीं मेरा नींद पूरा नहीं हो, मतलब हो चुका है अभी, तो मुझे अभी भी लगा कि नहीं मैं बहुत देर तक सो चुकी हूँ, अब मेरा नींद भी पूरा हो चुका है, अब मुझे उठना चाहिए। तो अभी अभी बस मैं उठी हूँ, आप सभी को मालूम ही पड़ रहा होगा मेरा फेस कितना स्वेलिंग करके रखा है, मेरे आईज, सुबह सुबह तो ऐसा होता ही है सबके साथ, और मेरा पता नहीं आज क्यों गला भी इतना ज़्यादा बैठ चुका है। आई थिंक थोड़ा सा मुझे मतलब कोल्ड है, सो दैट गला इस तरह से बैठ रहा है। नॉर्मली सुबह सुबह थोड़ा सा तो गला बैठ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा आज मेरा आवाज़ ही चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या। तो चलिए मॉर्निंग में अभी मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में बेसन का छेला बना दूंगी, और क्या बनाऊंगी देखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो अब तक की तो प्लान है बेसन की छेला बनाने के लिए, तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो बेसन की छेला बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 कप बेसन ली हूँ, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और सारे जितने थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वेजिटेबल डालकर बनाना थोड़ा सा पसंद नहीं है। थोड़ा सा मैगी मसाला भी आप लोग डाल देना अगर आपके पास है तो। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और टोमाटो के साथ मैं बना रही हूँ, और ये भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं यहाँ पर तावा में ही छेला बना रही हूँ, मुझे तावा में बनाना सही लगता है। और दूसरी ओर मैं चाय भी चढ़ा रखी हूँ, मैं आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय और छेला बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही हूँ, दैट्स इट। और छेला को मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ, तो यहाँ पर मेरी चाय भी उबल रही है, तो बस बन रहा है, 2 मिनट में मेरी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आज मैं अपने बेडरूम, थोड़ा सा दोनों बेडरूम को क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो मास्टर बेडरूम है उसको क्लीन कर चुकी हूँ, और बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर चुकी हूँ, और दूसरे रूम में चलते हैं। तो दूसरे रूम का भी मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर चुकी हूँ। दूसरे रूम में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे 2 बेड है, एक मीडियम साइज का और एक सिंगल बेड। ये सिंगल बेड को मैं थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहती हूँ, तो बाद में करूंगी। हाय गाइस, तो अभी अभी बस मैं अपनी जो लाउंज बनाकर आ चुकी हूँ, थोड़ी देर के लिए मतलब पंखे के नीचे बैठने के लिए। मतलब जब हम किचन में काम कर कर आ जाते हैं फिर मतलब इतना पसीना पसीना, आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना पसीना आ रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, तो पूरी तरह से पसीना से मतलब नहा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं आकर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद में कुछ मतलब खाना खाने के लिए जाती हूँ। तो अभी बस मैं खाना बना चुकी हूँ, थोड़ी देर के लिए अब मैं बैठूंगी, 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 2 बज चुका है, मतलब आज लेट उठी हूँ इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम भी था, सो देट सारे काम मतलब डीले डीले हो रखा है, मतलब लेट हो अपने आप ही लेट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। जितना भी कोशिश कर रही हूँ नहीं मैं जल्दी काम खत्म करूंगी, लेकिन आज बहुत सारा काम था, घर का थोड़ा क्लीनिंग करना था, मतलब डीप क्लीनिंग जो करते हैं। सॉरी मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई किस तरह से मैं अपने घर को डीप क्लीनिंग करती हूँ, दिखाना चाहती थी, लेकिन ठीक टाइम में करंट चली गई, सो दैट मतलब दिखाना पॉसिबल नहीं था। वेदर अजीब सा हो रखा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रखा है, मतलब जैसे लग रहा है कि नहीं अभी बारिश हो जाएगा, अभी बारिश हो जाएगा, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है, इसी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब जो चिपचिपापन आ रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और सारे काम खत्म की उसके बाद लॉन्च बनाई, अभी जाकर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुई हूँ, तो सोची क्यों ना मैं आप सभी के साथ थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ, और उसके बाद जाऊँगी खाना खाने के लिए। जब मैं खाना खाने के लिए जाऊँगी तभी आप सभी को मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या लॉन्च में बनाई हूँ। तो लॉन्च में हम लोगों ने बनाए हैं राइस, दाल और खम्बालू की भाजी, और पत्ता गोभी को बॉईल कर उसको मैं थोड़ा सा मतलब साग टाइप का बनाई हूँ, और आम। मैं लॉन्च करने के बाद बिल्कुल भी आप सभी के साथ बात नहीं कर पाई, बिकॉज मेरी सर पर इतना ज़्यादा दर्द हो रखा था, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सर पर दर्द हुआ, तो मैं सो गई थी। अपने मैं किचन
किचन कंट्रोल एरिया भी क्लीन नहीं की हूँ, गैस भी क्लीन नहीं की हूँ, बस बर्तन वगैरह मेरे हस्बैंड ने साफ कर दिए थे। वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव, थोड़ा सा नहीं, मतलब जब कभी भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो फ्री रहते हैं तो वो सारे काम कर लेते हैं, जो भी उनसे हो पाता है वो कर लेते हैं। बस किचन कंट्रोल एरिया उसने साफ नहीं किया है, बिकॉज उनका कुछ काम आ गया, नहीं तो वो भी कर लेते, लेकिन बर्तन वगैरह साफ कर चुके हैं। और अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, मतलब अब सर का दर्द थोड़ा सा कम है, तो अभी मैं जाऊँगी मतलब कि किचन कंट्रोल एरिया क्लीन करने के लिए। तो गाइस ये ब्लॉग मैं कल शाम से शूट कर रही हूँ और ख़त्म ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज पता नहीं मतलब माइंड थोड़ा सा जाम रह रहा है और तबीयत थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, सो दैट ज़्यादा शूट भी मैं नहीं कर पाई हूँ, और इसी वजह से मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए इतना टाइम लगा थी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस मैं मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।